हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी गाइड। तो दोस्तों, चैनल स्टडी गाइड में फिर आप सभी का एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि सिलेबस को जल्दी ही जल्दी ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, हम कोशिश कर हमारे तरफ से जब भी जितना भी टाइम मिलता है हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए ये सिलेबस को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। और हम जो जो लिख रहे हैं, ठीक है, जो जो पढ़ा रहे हैं, उस आपको एक कॉपी में नोट करना है, कॉपी में नोट करना है और इसको प्रैक्टिस करना है। देखो, अगर आपने वीडियो देखा तो हो गया, आप समझ में आपका समझ दिमाग में आ गया कि हो गया, बस ये तो समझ में आ गया, हम एग्ज़ाम में कर देंगे। नहीं, ठीक है, एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत गलतियाँ हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, उसी को एक कॉपी में लिखना है और उसको प्रैक्टिस करना है, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी सब ऐसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन आप ये प्रैक्टिस अगर नहीं किए तो ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन को लेकर, ठीक है। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सिलेबस है और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन के पहले मैं एक थोड़ा सा छोटा सा चार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, आसान सा चार्ट है। इस चार्ट को आपको कॉपी में लिखना है और बार बार से प्रैक्टिस करना है, एक बार नहीं, बार बार से प्रैक्टिस करना है। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम पे आता है, ऐसा नहीं कि रेलवे पे भी आता है, लेकिन बहुत सारा एग्जाम पे भी आता है। जैसा कि DFCCIL में शायद एक क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रिकल में या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में याद नहीं है मुझे, लेकिन सैचुरेशन पे, ठीक है, सैचुरेशन पे क्या होता है, एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है। तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए एमिटर बेस जंक्शन शुड बी फॉर सैचुरेशन फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस, तो दोनों ही फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। एक्टिव मोड में क्या होता है, एक्टिव मोड में जब एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है तभी उसको हम एक्टिव मोड बोलते हैं। इन्वर्टेड मोड कब बोलते हैं, जब एमिटर बेस रिवर्स बायस होता है और कलेक्टर बेस फॉरवर्ड बायस होता है तब हम इसको इन्वर्टेड बोलते हैं, क्योंकि इसको हम रिवर्स एक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है, सिर्फ उल्टा काम करता है एक्टिव का। लेकिन हमारे ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन में कि ये सैचुरेशन और ये कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सैचुरेशन और कट ऑफ पॉइंट DC लोड लाइन एनालिसिस से भी आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर थोड़ा आपका थ्योरी का डेप्थ है, ठीक है, यहाँ पर हम थ्योरी का डेप्थ में नहीं जाते हैं, आप लोगों को मालूम है, क्योंकि रेल का सिलेबस हम फॉलो करते हैं, या तो डिप्लोमा का बीटेक का सिलेबस हम फॉलो नहीं करते, तो लोड लाइन एनालिसिस से भी आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों पॉइंट कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो सैचुरेशन में क्या होता है, एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, और कट ऑफ में क्या होता है, कलप में होता है एमिटर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, ओके। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाए, इसमें बोला गया है द फंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर एट कट ऑफ कंडीशन। कट ऑफ कंडीशन में क्या होता है, कट ऑफ जो होता है वो DC लोड लाइन एनालिसिस है उसका, मतलब बिलो पॉइंट में, मतलब नीचे वाले पॉइंट जो होता है उसमें मिलता है, ठीक है। तो व्हेन द ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड इन कट ऑफ मोड, ट्रांजिस्टर का जब कट ऑफ मोड में आप ऑपरेट करते हो, व्हेन द एमिटर एंड द कलेक्टर जंक्शन इज सेड टू बी इन ओपन स्टेट, ठीक है। द ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड इन कट ऑफ मोड व्हेन द एमिटर एंड द कलेक्टर जंक्शन इज सेड टू बी इन ओपन स्टेट, मतलब वो दोनों ओपन स्टेट में रहेगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो VCE कलेक्टर एमिटर वोल्टेज होगा वो प्लस VCC सप्लाई वोल्टेज के साथ इक्वल हो जाएगा। इट डज नॉट कंडक्ट एनी करंट, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता और इसलिए हम इसको इट इज इन ओपन स्टेट, सो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे जाया जाए, द ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड एट ए सैचुरेटेड कंडीशन। तो ट्रांजिस्टर जब सैचुरेटेड कंडीशन में ऑपरेट करता है, व्हेन बोथ द एमिटर एंड द कलेक्टर आर इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है, दोनों ही जब फॉरवर्ड बायस पे होता है, ठीक है, और इस समय क्या होता है, VCE जो होता है, VCE कलेक्टर एमिटर वोल्टेज वो टेंस टू ज़ीरो होता है, ठीक है, टेंस टू ज़ीरो होता है और उसमें करंट फ्लो करता है वो IC इक्वल्स टू VCE बाई RC होता है, और ये आपको लोड लाइन एनालिसिस का टॉप पॉइंट में मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड का टॉप कॉर्नर में जो पॉइंट होगा वो भी पर आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो बिलो पे होता है सैचुरेशन पॉइंट और अप टॉप पे होता है बिलो पे होता है कट ऑफ पॉइंट और ऊपर में होता है सैचुरेशन पॉइंट, ये रहा सैचुरेशन, तो सैचुरेशन ऊपर मिलता है। दिस इज द कंडीशन इज नोन एज प्रैक्टिकली, हमारा जो स्विच है, ठीक है, हम जो स्विच प्रेस करके लाइट फैन वगैरह चलाते हैं उसमें क्या होता है, एक ऑन होता है एक ऑफ होता है, ठीक है। अब स्विच ऑन कर दो तो फैन चलता है, स्विच ऑफ कर दो तो फैन ऑफ नहीं होता है।
ऑफ हो जाता है। तो ये वाला कंडीशन भी हम ट्रांजिस्टर के साथ कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अ ट्रांजिस्टर कैन बी ऑपरेटेड एज ए स्विच। तो ट्रांजिस्टर को एक स्विच की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं बिटवीन द सैचुरेशन एंड द कट ऑफ। सैचुरेशन और कट ऑफ के बीच, कट ऑफ पोजिशन मीन्स ऑफ पोजिशन एंड सैचुरेशन पोजिशन मीन्स ऑन पोजिशन, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस थोड़ा लो होगा। तो ये रहेगा आपका ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन का मेन बात, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम स्विच ऑन और ऑफ करते हैं, ठीक है, उसमें इस ट्रांजिस्टर में डायरेक्टली ऑन ऑफ जो होता है उसमें थोड़ा टाइम डिले रहता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारा थियोरी है कि इसका स्विचिंग स्पीड कैसे हो जाए, स्विचिंग स्पीड किसका कौन सा, मतलब फेट का कितना हो, बीजेडी का कितना हो, ठीक है, किसमें स्पीड ज़्यादा आएगा किसमें कम आएगा, ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल थियोरी है, इसमें हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखा जाए, नेक्स्ट स्लाइड देखा जाए क्या, ट्रांजिस्टर को स्विच कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर को एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं, एक ऑन ऑफ स्विच की तरह, ठीक है। इसके बाद इसको और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एक मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो है उसमें भी हम ट्रांजिस्टर को स्विच तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ट्रांजिस्टर दूसरे ट्रांजिस्टर को स्विच ऑन करता है, ठीक है, ठीक है। वो उसका बायसिंग कंडीशन देखा जाएगा जो कौन किसको ऑन करेगा, ठीक है। तो मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर भी होता है। स्वीप ट्रिगरिंग जिसको हम बोलते हैं सीआरओ पे, ठीक है, ऑसिलोस्कोप, मतलब कैथोड ऑसिलोस्कोप में जो स्वीप ट्रिगरिंग होता है, ठीक है, और टाइम एडजस्टमेंट के लिए, तो उस स्वीप ट्रिगरिंग में भी हम ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह एक यूज़ करेंगे। और ट्रांजिस्टर को हम बोल सकते हैं क्या, एक नॉन मैकेनिकल रिले, एक नॉन मैकेनिकल रिले। रिले क्या होता है, रिले में जो होता है आपका रिले सिलेबस पे है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो है आप लोगों का सिलेबस पे रिले है। रिले क्या है, रिले एक NONC लॉजिक का कॉन्टैक्ट है, ठीक है, NONC लॉजिक का कॉन्टैक्ट है। और ट्रांजिस्टर भी वैसी तरह एक NONC लॉजिक का कॉन्टैक्ट है तब जब आप इसको स्विच की तरफ बिहेव करो, और यानी कि आप इसको कट ऑफ और सैचुरेशन पॉइंट की तरफ बिहेव करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेशन हम ख़त्म करते हैं और जल्दी से और सारा सेशन हम मतलब उसका डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट बनाकर हम लिखकर आप लोगों के सामने ज़रूर लाएंगे। तो ये सब जितना भी सेशन हो चुका है आपको सिर्फ आपका कॉपी में लिखना है और प्रैक्टिस करना है, यही सब क्वेश्चन आपका रेल पर पूछा जाएगा, ठीक है। रेल के बाद हम ज़रूर आपका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपका क्या करना है, आपका ये सब चीज़ प्रैक्टिस करना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, और आगे अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। और ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, लेकिन देखिए मैंने 8 या 9 वीडियो डाले हैं आप लोगों के लिए, तो ये 9 वीडियो आप लोगों को क्या करना है, शेयर करना है। किन के पास शेयर करना है, जिन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का एग्ज़ाम है 24th ऑफ दिसंबर पे, ठीक है, उन लोगों के पास शेयर करना है, ठीक है। एंड थैंक यू।